दोस्तों, इस धरती पर अजीबोगरीब चीजों और रहस्यों की कमी नहीं है। इस धरती पर कुछ ऐसे पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। क्योंकि द वायरल नामक के नेचुरल फिनोमिना के पार्ट 4 के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसी अनोखी चीजें, जिन्हें देखकर आप कह देंगे, ओह माय गॉड, हाउ वंडर। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले नए व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नॉर्वे के एक छोटे से द्वीप ट्रॉम्सो में यह आसमानी घटना सबके लिए हैरानी का विषय है। यहाँ रात को आसमान रंग बदलने लगता है। ये कभी हरा हो जाता है, तो कभी पीला हो जाता है, तो कभी नारंगी रंग का दिखाई देता है। इस अद्भुत घटना को नॉर्दर्न लाइट्स के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक नॉर्दर्न लाइट्स प्रकृति का ऐसा कारनामा है जो धरती के गैस पार्टिकल्स और सूर्य के एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स के बीच टकराव से पैदा होता है। आसमान के रंग में जो बदलाव होते हैं, वो असल में पर्यावरण में मौजूद गैसों के प्रकार पर निर्भर करते हैं। ये गैस ही आपस में टकराती है, जिससे इन रंगों की उत्पत्ति होती है। और इन नेचुरल गैसों में सबसे कॉमन कलर पेल येलोइश ग्रीन होता है, जो धरती से 60 मील ऊपर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से पैदा होता है। अब आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताते हैं, जिसका पानी हर समय उबलता रहता है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में एक ऐसी नदी है, जिसका पानी साल के 365 दिन और 24 घंटे उबलता रहता है। इस नदी को बॉइलिंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पानी 200 डिग्री फॉरेनहाइट पर उबलता रहता है। यह पानी इतना गर्म होता है कि आप अंडे और चावल भी आसानी से उबाल सकते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि ठंड के मौसम में भी इस नदी का पानी इतना ही गर्म रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा एक फॉल्ट लीड हाइड्रोथर्मल फीचर के कारण होता है। दोस्तों, इस धरती पर एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे नरक का दरवाजा कहा जाता है। तुर्कमेनिस्तान के अशगाब शहर से 160 मील दूर स्थित काराकुम रेगिस्तान में मौजूद एक गड्ढा आज पूरी दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है, क्योंकि इससे पिछले 50 वर्षों से लगातार आग निकल रही है। कहा जाता है कि पहले ये गड्ढा नहीं था, बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब सोवियत संघ की हालत खराब होने लगी, तो वह तेल और प्राकृतिक गैसों के लिए रेगिस्तान में खुदाई करने लगा। इस खुदाई के दौरान सोवियत रूस के वैज्ञानिकों को यहाँ मीथेन गैस मिली थी, जिसे वातावरण में फैलने से रोकने के लिए उन्होंने इस गड्ढे में आग लगा दी थी। तब से लेकर अब तक लगातार इसमें आग जल रही है। रंग बदलना इंसानों की फितरत है, लेकिन कोलंबिया में दुनिया की ऐसी इकलौती नदी है जो साल में 5 तरह के रंग बदलती है। इसीलिए इसे रिवर ऑफ 5 कलर्स कहा जाता है। और इस पल्टीमार नदी का नाम है कैनो क्रिस्टल्स। इसमें 5 रंगों का होना कोई जादू नहीं है, बल्कि उसमें उगने वाले एक खास पौधे मैकेनिया क्लेविग्रा की वजह से होता है। पानी की तलहटी पर लगे पौधों पर जैसे ही रोशनी पड़ती है, नदी रंग बदलने लगती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 1000 लाइक्स तो जरूर मिलें। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव करते हैं, तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो इसी बात पर अभी ठोक दीजिए अपना लाइक। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में वेस्टगेट पार्क में मौजूद हिलर लेक को पिंक लेक भी कहा जाता है। जहां तक आपकी नजरें जाती है, वहां तक इस लेक का पानी गुलाबी ही नजर आता है। जो कोई भी इस गुलाबी झील को देखता है, वो दंग ही रह जाता है। अब आपको बता दें कि इस झील के पानी पर गुलाबी नशा क्यों छाया है। दरअसल इस झील का पानी एल्गी और बैक्टीरिया की वजह से गुलाबी दिखता है। हालांकि इनसे इंसानों और जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन हाँ, डेड सी की तरह इस झील में भी नमक की ज्यादा मात्रा होने के चलते इसमें बड़ी आसानी से तैराकी जरूर की जा सकती है। स्क्रीन पर जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये कोई सामान्य पेड़ नहीं है, बल्कि अपने आप में कई खूबियों को समेटे हुए है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ वेस्ट एशिया में पाए जाने वाले इस पेड़ को बाओबाब ट्री कहते हैं, लेकिन ये लाइफ ऑफ ट्री के नाम से ज्यादा फेमस है, क्योंकि बरसात के दिनों में अपने भीतर करीब 17,000 लीटर पानी स्टोरेज कर सकता है। बरसात नहीं होने की स्थिति में कई बार लोगों के लिए लाइफ लाइन साबित हुआ है।
इतना ही नहीं, 6 महीने हरा भरा और 6 महीने सूखा रहने वाला ये पेड़ करीब 3000 सालों तक जिंदा रह सकता है। अब आपको न्यूजीलैंड की एक ऐसी गुफा में लेकर चलते हैं जहां आसमान की तरह तारे टिमटिमाते हैं। देखने में ये नज़ारा जितना खूबसूरत लगता है, सोचने में उतना ही हैरानगी भरा भी लगता है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये रोशनी किस चीज की है, तो आपको बता दें कि इस गुफा में चमक पैदा करने वाले फंगस पाए जाते हैं जो रात में सितारों की तरह टिमटिमाते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि ये फंगस जितने ज्यादा भूखे होते हैं उतने ही ज्यादा चमकते हैं। इसी तरह वेतनाजोकुल ग्लेशियर की बर्फीली गुफाओं का नजारा भी रोमांचक से भरपूर है। इन्हें आइस कैप आइसलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये रंग बिरंगे पर्वत किसी कलाकार की कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। ये सतरंगी पहाड़ चीन के नेशनल जियोलॉजिकल पार्क का हिस्सा हैं, जो दिखने में किसी अजूबे से कम नहीं है। दरअसल यहाँ सैंडस्टोन और मिनरल्स की लेयर्स बरसों तक एक के ऊपर एक जमती रही, जिनके चलते यहाँ के पहाड़ रंगीन बन गए। सूरज की किरणें पड़ने से इन पहाड़ों की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। साल 2009 में इस जगह को यूनेस्को की विश्व धरोहरों में भी शुमार कर लिया गया था। दोस्तों, आपके लिए ये नॉलेजेबल वीडियोस बनाने में हमें हफ्तों की मेहनत लगती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके हमें बेशकीमती राय जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें सुपर थैंक्स देकर सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं मिरर ऑफ अर्थ, यानी धरती का दर्पण। 4000 मील में फैला यह नमक का मैदान आईने की तरह दमकता है, इतना कि आप उसमें अपना चेहरा भी देख सकते हैं। दिखने में भले ही ये मैदान काल्पनिक और मानव निर्मित लगे, लेकिन असल में यह पूरी तरह से वास्तविक और प्राकृतिक है। कई मीटर मोटी नमक की परत वाले इस मैदान को सालार दे उयुनी भी कहा जाता है। आपको बता दें, सालार दी उयुनी बोलीविया की एक झील है जो सैकड़ों वर्षों से सूखती हुई पूरी तरह सूख गई, लेकिन इसके पानी में मिला नमक लगातार परत दर परत जमता चला जा रहा है। हालांकि आज ये झील पूरी तरह सूख चुकी है, लेकिन बारिश के मौसम में जब यहाँ हल्का पानी जम जाता है तो यह कुदरती आईने का काम करता है। इस रंग बिरंगे पहाड़ और खौलते हुए पानी के पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है। रिसर्च के अनुसार 20वीं सदी में जब इस रेगिस्तान में रह रहे लोगों को फसल उगाने के लिए पानी की जरूरत पड़ी तो लोगों ने जमीन खोदकर पानी निकालना चाहा, लेकिन खुदाई में मिले पानी को देखकर सब हैरान रह गए क्योंकि ये पानी 93 डिग्री सेल्सियस तक गर्म था, जिसके बाद लोगों ने इस जगह को वैसे ही छोड़ दिया। मगर गर्म पानी में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट धीरे धीरे गड्ढे के चारों तरफ जमने लगे। पानी में मौजूद मिनरल्स के चलते वहाँ एक रंग बिरंगा पहाड़ बन गया। आज इस खूबसूरत फ्लाई ग्लेशियर को देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ पहुँचते हैं। अब साउथ अमेरिका के चिली में जनरल कैरेरा झील के किनारे बनी पैटागोनिया की गुफाएं, जिन्हें देखकर आप कह देंगे कि कुदरत की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। पूरी तरह से मार्बल से बनी इस गुफा को देखकर ऐसा लगेगा मानो कोई हीरा चमक रहा हो। पानी और संगमरमर आपस में मिलकर इसे इतना खूबसूरत बना देते हैं कि लोग इसे धरती का स्वर्ग कहने लगे हैं। वाकई ये गुफा तो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट किए जा रही है। दोस्तों, आपने इंसानों द्वारा बनाए गए पिरामिडों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी प्रकृति द्वारा बनाए पिरामिडों के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि यह प्राकृतिक घटना होती है इटली के साउथ टायरोल प्रांत में, जहां प्रकृति का ये अजूबा देखने को मिलता है जिसे अर्थ पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ये पिरामिड एक प्राकृतिक घटना है जो भुरभुरे इलाकों में साल दर साल बारिश होने के कारण बन जाते हैं। इन पिरामिडों पर जो पहाड़ का टुकड़ा होता है वो इसको विशेष रूप देता है। इन पहाड़ के टुकड़े को बारिश काट नहीं पाती, बाकी हिस्से को काट देती है, फिर ऐसी आकृति बनकर सामने आती है। इस दुनिया में अजूबों की कमी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में 15 फीट ऊंचा एक दीमक का ये घर लोगों को हैरान कर देता है। आमतौर पर दीमक इतना बड़ा घर नहीं बना सकते, ऐसे में उनका यह बड़ा सा घर हर किसी को हैरान कर देता है। दीमकों का दिमाग तो देखिए, उन्होंने ये घर मिट्टी, लकड़ी और सलाइवा से बनाया है। दीमकों की इस हैरत अंगेज कला को देखने दुनिया भर के हजारों लोग आते हैं। अब आपको दिखाने जा रहे हैं लैंगचाई नामक एक तैरता हुआ गांव, काई बियो फ्लोटिंग विलेज, वियतनाम में मछली पकड़ने वाले ग्रामीणों ने बनाया है।
इस खूबसूरत से दिखने वाले गांव को देखने के लिए हजारों सैलानी हर साल काई बियो फ्लोटिंग विलेज में आते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।